कला उत्सव के लिए सर्वोदय विद्यालय गांधीनगर पूर्वी दिल्ली द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा विषय है सांझी। सांझी यानी देवी माँ। हमारा एक स्कूल में प्रोजेक्ट है, उत्तर भारतीय लोककला, तो सांझी और साथ में त्योहारों पर बनाए जाने वाले कुछ प्रतीक चित्र। क्या तुम यहाँ पर स्कूल में गोबर लुप्त होती हुई सांझी की इस खूबसूरत परंपरा के बारे में जानने के लिए हमें अधिक भटकना नहीं पड़ा। जी आपका नाम? शीतल जी। जो नवरात्रों में देवी मनाई जाती है, उस मिट्टी से दीवार पे देवी की मैं ये प्रतिमा बना रही हूँ। ये साल में दो बार नवरात्र आते हैं, ये दोनों में एक जैसी ही प्रतिमा बनाई जाती है। जी मैं मिट्टी गूंध रही हूँ, रूल डालने से मिट्टी की जो पकड़ है वो मुझे भूत हो जाती है। जी जी हम बचपन में हमारे घरों में जो माता पूजी जाती है वो उसके लिए हम ये मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं और इसी से ही देवी माँ पूजी जाती है हमारे घरों में। ये ऐसे ही दीवार पे बनाई जाती थी नवरात्रों के टाइम, और दीवार को अच्छी तरह गोद दिया जाता था स्वच्छता के लिए, और गोबर फेरा जाता था। गोबर जो है हमारे धर्म में सबसे अच्छा माना जाता है, स्वच्छता मानी जाती है। और ये जो देवी माँ है हम दीवार पे बनाते हैं और इसकी जो पूजा हम 9 दिन तक करते हैं, अपने घरों में करते हैं, देवी माँ का स्थान देते हैं। हमारी टीम की प्रतिभागी मानवी जो कक्षा 10वीं में पढ़ती हैं, की माता श्रीमती शीतल बिंदल ने हमें पंजाबी सांझी बनाकर दिखाई। रितिका की चाची श्रीमती जानकी देवी जो कि गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड की निवासी है ने व्हाट्सएप के जरिए एपन की कला बनाते हुए दिखाया। हमारे विद्यालय में कार्यरत सफाई कर्मचारी श्रीमती राजपाला ने हमें सांझी से जुड़ा गीत सुनाया एवं महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिर हम कवर करते हैं, इसे लगाते हैं, हाँ कलर करते हैं, सुखाते हैं, कलर करते हैं, सजाते हैं, अच्छी तरह चुंदड़ी उड़ाते हैं, उसे जब लगा देते हैं 9 दिन तक इनकी पूजा, फिर दशहरा वाले दिन पूजा करके फिर हम इन्हें। हमारी संस्कृत की अध्यापिका कुमारी प्रतिभा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से है ने हमें सांझी के बारे में बताया। और हमारे उसको गोबर से दीवार के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, और सांझी को देवी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जो हम खाते हैं अपने पास में जो भी हमारे घर में बनता है सबसे पहले उसको भोग लगाया जाता है। और जो जैसे हमारे वर्ग चलते हैं जो भी हमारे हम लोग खाते हैं सुबह या शाम हम उसी को उसको लगाते हैं। और उसके बाद जो है उसको अतिथि की तरह उसको मानते हैं, उसकी पूजा होती है, और जो अनमैरिड लड़की होती है वो इसकी पूजा करती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो उसकी पूजा करते हैं उनकी जो शादी है वो जल्दी हो जाती है। और हर शाम को पूजा करके अपने पेरेंट्स या बड़ों से जो है सांझी मांगते हैं, सांझी में पेरेंट्स होते हैं गिफ्ट वगैरह जो है वो देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ दीवार पर डिजाइनर खिड़कियों के आसपास जिसे बड़े सुंदर दिखते हैं। किससे? किससे? हमारे
गेहूँ से बनाई जाती है, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर फिर उससे बनाई जाती है गेहूँ से। अब हम इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का थीम कैसे जोड़ सकते हैं? देखो जैसे जो ये पंजाबी सांझी है ये सिर्फ लड़कियाँ बनाती है, मतलब पंजाब में यही मान्यता है कि जो ये है मतलब हरियाणवी सांझ की लड़की है ना, जैसे मतलब नहीं एक एरिया की जो लड़की होती है जैसे वो सारी एरिया की जितनी भी लड़की आती है सब मिलकर डिसाइड करती है कि इस घर में सांझी बनाई जाए, फिर वहाँ बना के उसकी पूजा की जाती है और ये सिर्फ लड़कियाँ बनाती है जिसे नवरात्रों से एक दिन पहले शाम को बनाती है। वेरी गुड वेरी गुड मैं हमारा ये कलर हो गया। गोबर व मिट्टी द्वारा निर्मित सांझी की प्रतिमा को स्थानीय मान्यताओं के आधार पर अलग अलग रूप दिए गए हैं। कोई उन्हें दुर्गा कहता है, कोई विश्वकर्मा की पुत्री तो कोई सूर्य देव की पत्नी मानता है और पूरे 9 दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है और 10वें दिन उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। पारंपरिक तौर पर हरियाणा एवं पंजाब में छोटी लड़कियां ही सांझी बनाती हैं एवं पूजा करती हैं। बोल मेरी देवी खोल की वाड़, पूजन आई हूँ तेरे द्वार, पूज पाज के क्या मांगू भाई भतीजे भरवा, टोकनी मेरी हरियो भरियो टोकनी में लाख रुपया, सांझी का मुँह कान से भरी सांझी देरी सांझी देरा, आरता मेरी सांझी मैया आरता, आरतारी आरता मेरी सांझी मैया आरता, पंजाब राज्य में मनाया जाता है। पंजाब में 2 बार नवरात्रि आती हैं और दोनों ही एक जैसे ही माता बनाई जाती है। ये उत्तराखंड राज्य से है और इसे एवरेस्ट कहा जाता है। ये दीवारों के बॉर्डर पे बनाया जाता है, जीनों पे और मंदिर में इसे बनाया जाता है। उसके बाद हमने ये चावल का पेस्ट लेके इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है और इस चम्मच की सहायता से मैं इसको इस सीन में डिज़ाइन भी बना रही हूँ। मैं रक्षाबंधन के लिए बनाने के लिए इसको गेरू से पहले पोत रही हूँ जिससे मेरे श्रवण कुमार जी इस पर बन सके। रक्षाबंधन में बनाई जाती है, ये राखी के लिए बनाते हैं और यहाँ पे भी सीताराम सीताराम दिखते हैं। सांझी के साथ साथ हमें अलग अलग त्योहारों जैसे रक्षाबंधन दीपावली करवा चौथ नाग पंचमी आदि त्योहारों पर बनाए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के बारे में भी पता चला। मेरा नाम फरीन है। ये गांव में छतों पर बनाया जाता है छतों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ये शुभ भी होता है बनाना। ये नाग पंचमी में बनने वाले नाग बना रहे हैं। ये आंवला के छोटे से गांव गुलाबी में बनाया जाता है नाग पंचमी पे। ये रक्षाबंधन पर बनाया जाता है, इसका बेस पहले हम प्लाईवुड पे गोबर लिखने के बाद हमने गेहूं होता गेहूं के बाद हमने चावल के पेस्ट से पर बनी हुई तस्वीरों को ही आसान माध्यम होने के कारण इस्तेमाल किया जाने लगा है। शहरों के इन नकारात्मक वातावरण में इन कला को जीवित रखने के लिए इन कला का व्यवसायीकरण करना जरूरी हो गया है। अंत में हम इस निष्कर्ष में पहुँचे कि यह कला जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, इसका प्रमुख कारण है शहरीकरण, शहरों में बढ़ती भीड़भाड़ एवं व्यस्त जीवन, जिसके कारण व्यक्ति प्रकृति से दूर होता जा रहा है। आज लड़कियां भी उतनी ही व्यस्त हैं जितने कि लड़के, दोनों ही मिलकर अपनी इन परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं।